हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मट्ठे के आलू। तो ये जो मट्ठे के आलू हैं, ये चटपटी चटपटी खट्टी खट्टी बहुत ही यम्मी लगते हैं। और हमारे घर में जब भी कोई सब्जी नहीं होती है तो बस मट्ठे के आलू ही बना लिए जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों को बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पर कुकर में मैंने 4-5 आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। ये 5-6 लहसुन मैंने छील कर कूट लिया है, 3-4 हरी मिर्च लंबी काट ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया धोकर बारीक बारीक काट लिया है। और ये मैंने लिया है करीब 2 कप दही। ये दही मैंने घर में ही जमा कर तैयार किया है, और इसको हमें अब फेंटना है। तो हम एक मिक्सी के जार में ये दही डाल लेंगे। आप चाहें तो इसको मथनी से भी फेंट सकते हैं। अब 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, और अब हमें इसको थोड़ा सा चला लेना है, जिससे कि ये जो दही है वो एकदम स्मूथ हो जाए। अब उसी सेम बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। और अब इस जार में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको धोकर इसी बाउल में इसको भी निकाल लेंगे, जिससे कि कुछ भी ज़्यादा वेस्ट ना होने पाए। अब देखिए, आलू हमारे उबल गए हैं और थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं, तो हम इन आलूओं को छील लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं, और अब हमें इसके मीडियम साइज़ के टुकड़े तोड़ लेने हैं। इसको हाथ से ही तोड़ना है, अंगूठे से इस तरह से इसको तोड़ लेना है, और बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं और ना बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े करने हैं, बस मीडियम साइज़ के टुकड़े इसके तोड़ लीजिए। अब गैस पर मैंने रख दिया है एक पैन, इसमें डाल दिया है 2-3 छोटी चम्मच सरसों का तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी राई और थोड़ा हींग का पाउडर। और जब मेथी और राई अच्छे से चटक जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, फिर डालेंगे आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और करीब आधी चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसमें ये तोड़े हुए आलू डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसी टाइम पर अगर आपको कोई टुकड़े बड़े लग रहे हों तो आप कलछी से ही इस तरह से छोटे कर सकते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो उसमें हम डाल देंगे ये हमारा जो दही और 1 चम्मच बेसन जो हमने फेंट कर रखा था वो, साथ ही डालेंगे इसमें करीब 2 ग्लास पानी। और अब हमें इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि ये फटे नहीं। जब भी हम कढ़ी बनाते हैं, मट्ठा के आलू बनाते हैं, इस तरह की कोई भी सब्जी बनाते हैं ना, तो हमें शुरू में इसको चलाना रहता है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। इससे दही जो है वो फटता नहीं है। तो फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसको लगातार चलाते रहिए जब तक कि ये उबलने ना लगे। और ये हमारे यूपी की बहुत ही खास डिश है, और इसको आप पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब ये अच्छे तरह से उबलने लगा है, यानी कि ये बॉयल हो गया है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाला था। बेसन डालने से जो दही या मट्ठा होता है वो फटता नहीं है। अब हमें फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देना है, और हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच से हल्का सा ज़्यादा डाला है मैंने, और 1 चम्मच
धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना भी चटपटा आपको चाहिए उस हिसाब से। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इस सब्जी को आप घर के जमाए हुए दही से, मट्ठा से, मार्केट वाले दही से, मट्ठा जिसको कि छाछ बोलते हैं, तो किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हमारे यूपी की तो ये बहुत ही खास डिश है। सभी गांव में अधिकतर ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 4-5 जो लंबी कटी हुई हरी मिर्च थी वो, और अब हमें इसको उबलने देना है। लेकिन हम इसको पहले थोड़ा सा ढक देंगे, इस तरह से ढकेंगे कि आधा ढक जाए और आधा खुला रहे, इससे ये उबल कर बाहर नहीं आएगा। और अब इसको उबलते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं, सब्जी ने जो तेल है वो भी रिलीज़ कर दिया है और देखिए ये कुछ इस तरह से हो गई है। अगर अभी भी आपको कोई पीस बड़ा लगे तो आप इस समय भी आलू के टुकड़े को छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ग्रेवी भी हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए हमारी खट्टी खट्टी चटपटी सी मट्ठे के आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने इसको बिल्कुल साफ़ कढ़ाई में बनाया है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑयली कढ़ाई रखी हुई है जिसमें कि आपने पहले कुछ डीप फ्राई किया हुआ है, तो उस कढ़ाई में आप इस सब्जी को बनाइए। बहुत कम तेल में बनने वाली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी है और मेरी ससुराल में तो ये सब्जी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है और सारे पकवान बन जाते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इस सब्जी को ज़रूर बनाते हैं। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और देखिए ठंडी होने के बाद इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो गई है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यूपी के गांव-गांव में घर घर में बनाई जाने वाली एक फेमस डिश, जो कि पहले गांव में जब शादी ब्याह होती थी तो उसमें भी ज़रूर बनाई जाती थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही यूपी में फेमस भी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।